हेलो एवरीवन। सो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पर्सनली मैसेज करते कॉल करते कि सर मुझे एक डेमो क्लास थोड़ा सा दिखा दीजिए कि आप ऐप पे हमें क्या क्या चीज अवेलेबल कराते हैं, किस रूप में वीडियो होता है। सो हम इस वीडियो में आपको यही चीज दिखाने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आप लोग को बता दें कि अगर आप लोग पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गाइस आप लोग के एग्जाम से कोई नोटिस वगैरह आता है तो हम इसी चैनल के माध्यम से आप लोग के बीच पहुंचा पाएंगे। बाकी टेलीग्राम पे हम सारा कुछ शेयर करते ही है, प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ वगैरह। सो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, दिखाते हैं आपको डेमो में क्या क्या चीज प्रोवाइड करते हैं। देखते हैं आगे। नाउ गाइस सबसे पहले आप लोग कोर्स वाले सेक्शन में चले जाइएगा। कोर्स वाले सेक्शन को आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चले जाइएगा। यहाँ पे आपको बेल्टोन दिख जाएगा और सबसे पहले हम बेल्टोन का पीडीएफ सेक्शन देखते हैं, फिर हम आपको वीडियो लेक्चर भी देखेंगे। ये पीडीएफ सेक्शन में आपको सबसे पहले आप जैसे बाय करेंगे तो आपको ये कंप्यूटर का बुक मिलेगा। कंप्यूटर की बुक खुलते हैं, कंप्यूटर की बुक में आपको सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक आपको यहाँ पे होगा। ये कुछ आपका थ्योरी होगा, ठीक है ना। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये कुछ कंप्यूटर का बुक था, थोड़ा सा हम 1000 एमसीक्यू, ये एमसीक्यू और भी अपडेट होता रहेगा। तो ये कुछ यहाँ पे देख सकते हैं एमसीक्यू होगा जो कि आपके कंप्यूटर से संबंधित ही सारा क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे है ना। ना आगे यहाँ पे थोड़ा और हम आपको दिखाने की कोशिश करें, यहाँ पे तो कुछ प्रीवियस ईयर है जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, ये कुछ प्रीवियस ईयर है बेल्टोन का, यहाँ पे है ना, ये कुछ प्रीवियस ईयर है। आपको हम सारा कुछ दिखाएंगे यहाँ पे, इसी तरह ये चारों प्रीवियस ईयर का पार्ट यहाँ पे। फिर आगे यहाँ पे हम आपको दिखाएं तो ये बेल्टोन का कुछ आपका सिलेबस है, यहाँ पे देख सकते हैं ये सिलेबस है, यहाँ पे ये कुछ सिलेबस है। फिर आगे यहाँ पे हम जाए तो प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट यहाँ पे जाए चले जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ आपका प्रैक्टिस सेट है, ये कुछ आपका प्रैक्टिस सेट है यहाँ पे, ठीक है। एक सिक्वेंस में आपको मिलेगा यहाँ पे। इनके अलावा और भी प्रैक्टिस सेट है यहाँ पे देख सकते हैं, अभी और भी अपलोड होने वाला है ना। अब आते हैं हम लोग वीडियो लेक्चर में यहाँ पे, ठीक है। तो फिर टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में तो ये है कुछ वीडियो लेक्चर। जैसे ही हम ओपन करते थे यहाँ पे, हम जैसे ओपन किए थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं आपको ये अलावा क्या आता है। लाइट पेन जो कि आप यहाँ पे इस पे ये कुछ गैस वीडियो लेक्चर है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। सिग्नेचर करोगे तो वो कंप्यूटर में दिखाई देगी और हम आपको और भी ड्राइविंग लाइक हम आपको और भी वीडियो लेक्चर देखेंगे। अगर आप निकालने गए होंगे तो भी आपने ये देखा होगा वहाँ पे इस तरह की सिग्नेचर वहाँ पे, ठीक है। और भी अगर भाग वीडियोग्राफिक अडैप्टर बिल्कुल प्रैक्टिकली रूप से आपको बताया जाएगा यहाँ पे, है ना, कि किस पार्ट को क्या क्या बोलते हैं। और दूसरा HDMI हाई डेफिनेशन ना, थोड़ा और हम आपको दिखा दें कुछ इस तरह से दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा और हम आपको दिखावे यहाँ पे। तो ये तो बेसिक कंप्यूटर था जो कि आपको थोड़ा वो तो नॉलेज होना ही चाहिए ना। अब हम थोड़ा सा इस वाले सेक्शन में जाएं यहाँ पे। तो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि क्या जाता है इनमें टू गिवन। ये कुछ आपका थ्योरी का क्लास है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है हमारे को कंप्यूटर का आपका वीडियो से बनाया जाता है, इनमें तब जाके वो काम करेगा। थोड़ा सा और हम भगा के दिखाएं वो रिजल्ट बिल आया होगा आपके पास, है ना। तो ये कुछ कंप्यूटर का वीडियो है। इसी तरह अभी और भी आपको काफी सारा वीडियो है यहाँ पे देख सकते हैं। ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ पे, है ना, कंप्यूटर का सामान्य परिचय से संबंधित। देखिए पहला प्रश्न, ये कुछ कंप्यूटर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब कोई ऐसा एक भी टॉपिक स्किप नहीं किया जाएगा, किस नाम से जाना, ए टू जेड टॉपिक आपको कवर कराया जाएगा। इनके अलावा भी और भी देख सकते हैं, काफी सारा चीज को प्रैक्टिकली रूप से बताया जाता है। जैसे कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम खोल लेते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनको हम स्टूडेंट्स इस बात को लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी इस वीडियो में हम सारा कुछ आपको बताया जाएगा। थोड़ा और हम आपको देखा है लोकेशन एंड फोल्डर, अगर हम तो आपको बताएं यहाँ पे फिर हमें फाइल्स और फोल्डर्स के साथ काम करने के लिए फाइल एक्सप्लोरर प्रोग्राम का यूज किया जाता है अपनी फाइल्स को उनके अंदर। तो इस तरह कुछ आपका काफी सारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे के सारे आपको कवर है, और साथ में कुछ मॉक टेस्ट आपको हम दिखा देते हैं। ये कुछ आपका मॉक टेस्ट है यहाँ पे, है ना, जैसे कि ये काफी सारे भी मॉक टेस्ट है, काफी सारे और भी मॉक टेस्ट डालने वाला है यहाँ पे, है ना। तो केवल मन करे मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, केवल मन करे टेस्ट तो टेस्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये कुछ आपका मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है जो कि हम कल भी दिखाए थे, आज भी हम आपको दिखा देते हैं ना। यहाँ से आप सबमिट कर देंगे जो भी क्वेश्चन होगा, यहाँ पे थ्री डॉट पे जाने के बाद यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे। यहाँ पे आपका रिजल्ट वगैरह दिख जाएगा, है ना। तो ये सारा कुछ है जो कि आप शेयर वगैरह भी कर सकते हैं यहाँ पे, उस अकॉर्डिंग करेक्ट इनकरेक्ट सारा कुछ आपको डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये सारा कुछ आपका सिलेबस था यहाँ पे गाइस, और एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो स्किप नहीं हुआ है। केवल 455 में याद रख लीजिएगा, जिसमें आपको सारा कुछ अवेलेबल होगा जो कि आपके जितने भी है सभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मेटिंग एंड डॉक्यूमेंट। नमस्कार स्टूडेंट, अपन का चैप्टर 4 फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट बिल्कुल प्रैक्टिकली रूप से बताया गया है, ठीक है गाइस।
तो कुछ ये था, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे किस रूप में आपको क्लास अगर आप लोग ज्वाइन करते तो क्या क्या मिलेगा। तो कुछ ये था गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। क्लास ज्वाइन करना, ज्वाइन भी कर सकते हैं और केवल 455 रुपया में ही, याद रख लीजिएगा। अगर मॉक टेस्ट ज्वाइन करना तो केवल 99 रुपीज में, है ना। 455 में सारे कुछ आपको मिल जाएगा, मॉक टेस्ट वगैरह, पीडीएफ वगैरह सारा कुछ। थैंक यू, अभी काफी कुछ और भी अपलोड होता ही रहेगा। थैंक यू।